में, हवा में, सूर्य में, चार निराकार रूप में सब जगह है, साकार रूप में इस गति पर माँ बावरिया की चौकटता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। गुरु अजन्मा होते हैं, भगवान अजन्मा होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब जैसे भगवती धरा पर उतरती है वैसे गुरु किसी गोप के गर्भ में अवतार होकर फिर धर्म की उत्पत्ति करते हैं। गुरु मरते अगर जिस दिन गुरु मर जाएंगे फिर भगवान नहीं आएंगे, फिर भगवान। इसलिए गुरु और भगवान में अंतर ना। अब दोनों का रास्ता ये आप लोगों को चुनना है, क्या भगवान कहते हैं अजन्मा है तो गुरुदेव अजन्मा नहीं है, है गुरु और भगवान में अंतर नहीं, इसलिए गुरुदेव भी अजन्मा है। शरीर छोड़ना सृष्टि का काम है, शरीर छोड़ना सृष्टि का काम है। ये भगवान ने सबको बराबर से बना दिया है, गुरु और भगवान सबको भगवान बना दिया है, बाकी उनकी आत्मा फिर अजन्मा है। और जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब गुरु किसी के गर्भ में जन्म लेकर के आकर के धर्म की उत्पत्ति करे। वही काम भगवान का है कि जब जब धर्म की हानि हुई कौनो रूप पकड़ करके धरा पर धरती पर आए। उसी प्रकार भगवती की है, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक धरा पर रूप किसी के गर्भ में अवतार होकर के धरा पर धर्म की उत्पत्ति करे। प्रेम से बोलो। गुरु के शब्द कहां से आया? गुरु 108 ज्ञानों से परिपूर्ण होते हैं। ब्रह्म चार प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं आप लोग? ब्रह्म के कई प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। इस कलयुग में सत्य ब्रह्म के तरण में सभी लोग गए, बाकी ब्रह्म ब्रह्म में कोई नहीं गया। ब्रह्म ब्रह्म में इस कलयुग में किनाराम बाबा गए थे। कौन गए थे? अब किनाराम बाबा का नाम सुने हैं लोग? सुने हैं? वो ब्रह्म में गए थे। कौन गए थे, क्या गए थे? वो ब्रह्म में चल गए थे। और अब तक कोई ऐसा है कि उस ब्रह्म में गया नहीं। शंकराचार्य बहुत से हमारे सत्य गुरु धरती पर हैं, वो सत्य ब्रह्म में ही लीन है। क्यों? कि कलयुग में ब्रह्म में जाने के लिए उस समय किनारम बाबा का द्वापर का कुछ शक्तियां जो कलयुग में वासना कर रही थी इसलिए वो ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म का मतलब यह होता है कि अपने आत्मा को दूसरे जगह खड़ा कर देंगे। अपने आत्मा को मैंने यहां देखा वहां देखा, जहां देखा वहां देखा। ब्रह्म उसको कहते हैं कि अभी यही है, अभी दुबई भी है, अभी यही है। और सत्य उसके कहते हैं, हम लोग सत्य ब्रह्म में है, यह ना कोई कहना जाए, हम लोग सत्य ब्रह्म में है। सत्य ब्रह्म है कि अपने सत्य जो आत्मा निराकार है हम दुबई पहुंचा सकते हैं, बाकी शरीर पहुंचा नहीं सकते, शरीर पहुंचा नहीं सकते। सत्य है जैसे लोग मर जाते हैं तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर श्री राम नाम सत्य है। सत्य आत्मा निराकार रूप में वासना करके हम सत्य को जाकर दुबई पहुंचा के एक सेकंड में आ ही सकते हैं, बाकी शरीर को नहीं ले जाकर के वहां खड़ा करके वहां से भी फोटोग्राफी दिखाई और यहां से भी फोटोग्राफी। प्रेम से बोलो। ब्रह्म की जानकारी आप लोगों की बता दे रहे हैं। ब्रह्म चार प्रकार के होता है, ब्रह्म कई प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्म है, एक परम ब्रह्म है, ये अपने शरीर को यहाँ है, बाबा धाम में भी है, दुबई भी है, जहां देखो और जहां देखो तहां खड़े हैं, जहां देखो हर कण में। निराकार और साकार दोनों है क्योंकि ये तो परम ब्रह्म है, ये तो परम। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। बात यह है अगर भक्ति करा 9 दिन का और आपकी सारी मन्नत पूरा होगी, आप केवल विश्वास चौकट कर लगाए रहा, भिड़िया परम पार है, अर्थात अब जो कुछ मन में आपके दर्द है गुरु जी से कह ले, तेरे काखर हमार बतिया के सुने ना सुने, करे ना करे, बाकी अपन दर्दवा उनके सुना दे। कहे कि हम अज्ञान है वो ज्ञानी है,
हमरे दर्द के ऊ जानत है, बाकी हम ना जानत है कि वो हमरे दर्द के जानत है। हम अज्ञान है, वो ज्ञानी है, तो हमें उनको सुनाना जरूरी है, कहे कि हमारा मन तृप्ति हो जाएगा, हमारा मन तृप्ति कहो, भले वो हमारे जानत है, बाकी हमें ना विश्वास है कि वो जानत। जब हम उनके दर्द सुना दे तो हमारे शरीर का घाव कम आवाज निकल दे, और जब तक शरीर के अंदर घाव बना रही उमन मवाज जरूर रही, उमन मवाज, और जब वो बह जाए तो वो के आराम मिले, का मिले, तो एक दरी कितनो बड़ी वो बैठल रही चुपचाप मेरी आवाज के सुनत रही, और जब तक ओकरे दर्द होत रही आए के बार बार कोशिश करी, गुरु जी गुरु जी गुरु जी प्रेम से बोलो, जिस प्रकार इनके दर्द रहन आएगे गुरुदेव गार लेना, आ देखा चुपचाप बैठ के सुनत आए, आ जब दिन ना रहा तो तुहरे